रानी लक्ष्मी बाई। रानी लक्ष्मी बाई उत्तर भारत में स्थित मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी। उनके पिता बिठूर के पेशवा दरबार में काम करते थे और उनके नाम और प्रभाव के कारण ही लक्ष्मी बाई को दूसरी औरतों की तुलना में ज्यादा आजादी दी गई। उन्होंने आत्मरक्षा, घुड़सवारी और तीरंदाजी का अध्ययन भी किया था और यहाँ तक कि उन्होंने दरबार में अपनी सहेलियों के साथ एक सेना भी बनाई थी। 1842 में 7 साल की लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ था। 1851 में उन्होंने अपने बेटे दामोदर राव को जन्म दिया, लेकिन लगभग 4 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। बच्चे की मृत्यु के बाद झांसी के राजा और रानी ने आनंद राव को गोद लिया। ऐसा कहा जाता है कि गंगाधर अपने बेटे की मृत्यु से कभी नहीं उभर पाए और 21 नवंबर 1853 को इसी कारणवश उनका देहांत हो गया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने के लिए झांसी के इसी दुर्भाग्य का फायदा उठाने की कोशिश की। 1854 में झांसी की रानी को 60,000 की सालाना पेंशन दी गई और उन्हें झांसी के किले को छोड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन वो अंग्रेजों को झांसी की सत्ता नहीं देने के फैसले पर अड़ी रहीं। झांसी की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों की एक सेना बनाई जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। इस महान काम के लिए उन्हें गुलाम गौस खान, दोस्त खान और दीवान जवाहर जैसे बहादुर योद्धाओं का भी साथ मिला। युवा दामोदर राव और अपने अन्य सैनिकों के साथ रानी कल्पे की ओर बढ़ी, जहां वह तात्या तोपे के साथ दूसरे विद्रोही बलों में शामिल हो गई। लेकिन 17 जून 1858 में ग्वालियर के फूलबाग के पास कोटा की सराय में एकट हुसूर से लड़ते हुए वो युद्ध में शहीद हो गई और इसके ठीक 3 दिन बाद अंग्रेजों ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। लड़ाई की ब्रिटिश रिपोर्ट में जनरल सर ह्यूरोज ने लिखा था कि रानी अपनी सुंदरता, चतुराई और दृढ़ता की वजह से सभी विद्रोहियों में से सबसे खतरनाक थी। उनके पुत्र आनंद राव, जिनका नाम बाद में दामोदर राव हो गया, अंत में अपनी मां के सहयोगियों के साथ भाग निकले।